और इसमें जो है आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आपको इस पर 0% इंटरेस्ट, ये सबसे लाइक एडवांटेज है कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे इसमें। ये तो आपने हर उस बंदे की मुश्किल आसान कर दी है जो कि एक थोड़ा बजट रखता है लाइक 7,000 या 8,000 दिरहम, जिसकी एक मिनिमम सैलरी 25 to 30,000 है और उसके पास कुछ सेविंग है, तो यानी वो भी प्रॉपर्टी ले सकता है दुबई के अंदर। जो आपने मुझे बात बताई है, हमारे पास गारंटेड रेंटल रिटर्न्स के भी ऑप्शंस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अवहाज नेक्स्टपाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक्टिवली इस वक्त दुबई के अंदर जो हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं समाना डेवलपर, जो यहाँ पे एक बहुत बड़े डेवलपर कंसीडर होते हैं, जिनके 20 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर और इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी धूम मची हुई है आसान अल्फाज में अगर कहें तो। इनके आज हम सेल्स ऑफिस में हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया है समाना से स्नेहा ने, और हम इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो नए आने वाले लोग भी समाना डेवलपर के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आखिर क्यों, वाई। तो मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा कि वाई इतना ज्यादा आप लोगों की क्यों धूम मची हुई है, व्हाट स्पेशल यू आर ऑफरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय ऑडियंस, दिस इज स्नेहा, वी आर हियर इन द सेल सेंटर ऑफ समाना। वाई समाना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर गिविंग अ वेरी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान व्हिच इज लाइक 8 years पेमेंट प्लान एंड 1% पर मंथ व्हिच वी आर ऑफरिंग, एंड वी आर द फर्स्ट डेवलपर हियर इन दुबई। वी आर ऑफरिंग विद अ प्राइवेट पूल कॉन्सेप्ट इन द बिल्डिंग, residential building, so each apartment has its own private swimming pool, whether it's a studio, 1 bedroom or 2 bedroom. अच्छा, इस वक्त अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें, लाइक हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आपके प्रोजेक्ट में, तो मिनिमम कितने पैसे उसके पास होने चाहिए? 750 AED लाइक हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है विच गोज अप टू मैक्सिमम लाइक 1.7 मिलियन। इनिशियल आपका जो डाउन पेमेंट होगा 20% होगा, देन एवरी मंथ 1% दैट विल बी द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। सो बेसिकली इट्स लाइक 7 years पेमेंट प्लान, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है 75% और बाकी का जो बैलेंस 25 है ये आपका पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान होगा। अच्छा, ये जो बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैं देख रहा था कि आप लोग प्राइवेट पूल का कॉन्सेप्ट भी आपने मुतारिफ करवाया है, तो व्हाट यू थिंक कि ये जो प्राइवेट पूल और आपकी लग्जरी एमिनिटीज है, ये आपके तमाम कस्टमर्स के लिए है या जो आपके हाई एंड कस्टमर्स होंगे जो कि यानी कि वो इन्वेंट्री बाय करेंगे कि जो एक्सपेंसिव होंगी, तो ये सारी एमिनिटीज जो आप लोग ऑफर कर रहे हैं ये सबके लिए इक्वल होगी? हाँ जी, ये सबके लिए इक्वल होगी। बेसिकली ये जो है लाइक हाई जो है एमिनिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मिडिल क्लास जो है ये भी ऑफर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी पे, बिकॉज अगर आप दुबई में देखेंगे तो ऐसे जो लग्जरी प्रॉपर्टीज है यू विल फाइंड अबाउट 2 मिलियन, बट समाना जो ऑफर कर रही है दैट इज वेरी लेस प्राइस ऑफ लाइक 750 के आपको जो हमारे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आपको मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, प्राइसेस का डिस्कस हो गया है, आपकी कंपनी के बारे में डिस्कस हो गया है। नाउ आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन की एक बहुत वैल्यू होती है, सो आपका जो इस वक्त करंट प्रोजेक्ट है जो आप ऑफर कर रहे हैं उसका नाम क्या है और किस लोकेशन पर है और उस लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, हमारी जो लोकेशंस है जो प्रोजेक्ट्स के, बेसिकली ये इन दी मिडल ऑफ सिटीज है, लाइक जैसे कि अर्जान एरिया हो गया। अर्जान में हमारे टोटल 5 प्रोजेक्ट्स है। ये वाली जो प्रोजेक्ट हम जहाँ पे है, यहाँ मिकोनस सिग्नेचर करके प्रोजेक्ट नाम है हमारा, समाना स्काई रोज है, समाना हिल्स, समाना ग्रीन्स, समाना पार्क्स, ये सारे अर्जान लोकेशन पे है। 2-3 साल पहले जो अर्जान लोकेशन था दैट वॉज कम्प्लीटली अ डेजर्ट। अगर आप अभी इस टाइम देखेंगे करंट 2023 में, अर्जान इज द एरिया, इट्स अ बूमिंग एरिया बिकॉज इट्स राइट ऑपोजिट टू दुबई हिल्स लोकेशन, एंड न्यू सारे डेवलपमेंट्स जितने भी है अर्जान में ये सारे अभी वहीं पे आ रहे हैं, मतलब तो अर्जान इट्स कम्प्लीटली अ बूमिंग एरिया। यहाँ के जो हाई रेंटल रिटर्न्स भी जो है वो कम्प्लीटली एकदम हाई है, लाइक 10 to 12% रेंटल रिटर्न्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारे प्रोजेक्ट्स जो है जेवीसी में है। जेवीसी अगेन इट्स नॉट अ न्यू लोकेशन, आई मीन जेवीसी जो है सबसे पुराना लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरीथिंग इज रनिंग, मतलब समथिंग ऐसा नहीं कि हमने कहीं न्यू लोकेशन पे हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग, हाँ लिवेबल है जेवीसी लोकेशन। जेवीसी में हमारे टोटल 5 प्रोजेक्ट्स है, समाना मैनहट्टन लाइक 1, समाना मैनहट्टन 2, वेव्स, वन वेव्स टू, बेसिकली हमने फेज़ टू और फेज़ मतलब 1 और 2 निकाले इसमें. देन हमारा मायामी प्रोजेक्ट है 1, देन मायामी 2 हमने JVT में निकाला है. अगेन इट्स अ डिफरेंट कम्युनिटी JVT, इट्स अ जुमेरा विलेज ट्राइंगल. ये कम्युनिटी बेसिकली विला कम्युनिटी की यहाँ पे हमारा ये एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक ही प्रोजेक्ट है JVT में. देन हमारा एक न्यू लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो बरारी व्यूज़ है. बेसिकली ये मजान में है, तो आपको पता ही होगा बरारी एक ग्रीनरी एरियाज है. तो हमारा जो न्यू लोकेशन ये बरारी है, और हमारा आने वाला जो फेज़ 2 है ये भी लाइक नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्च करने वाले फेज़ 2. अच्छा, आपके जो डेवलपर हैं ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, इमरान फारूक, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड. मैंने उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन सुनी है पाकिस्तान के अंदर. सो व्हाट यू थिंक आपकी कंपनी का या आपके जो ऑनर है उनका विजन और मिशन क्या है? लाइक वो तो हमें नज़र आ रहा है कि आप लोग प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, बट एक्चुअली आपका कोर पर्पस क्या है कंपनी का? ओके, तो हमारे जो CEO है मिस्टर इमरान फारूक, बेसिकली ये जो है लोगों को जो है लाइक हाई एंड लग्जरी जो है प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के साथ, जो है बेसिकली ये चाह रहे. अच्छा, 1% जो पेमेंट प्लान है बहुत सारे लोगों को उसका नहीं पता होता, तो 1% कितनी अमाउंट बन जाएगी कम से कम आपके प्रोजेक्ट में? मतलब 1% तो कोई अमाउंट नहीं होती. बेसिकली 1% जो है आपका बन जाएगा 7,500. डिपेंड करता है प्रॉपर्टी वैल्यू. हमारे पास बेसिकली कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे भी है कि 700K के बिलो भी प्राइस हमने निकाले हैं, तो जिसका आपका इंस्टॉलमेंट आता है 6,000, 7,000. क्योंकि हमने जो इनिशियली जब हमने लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट तब विदाउट पूल के साथ भी प्रॉपर्टीज थी जिनकी जो प्राइस थी अराउंड 650 की थी, जो इसमें आपको 6,000, 6,500 की जो है आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही थी. बट अभी जो हमारे जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स है ये सारे स्टार्टिंग प्राइस 750 से, तो भी मिनिमम अमाउंट जो है ये आपका 7,500 होगा. और इसमें जो है आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आपको इस पर 0% इंटरेस्ट. ये सबसे लाइक एडवांटेज है कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे इसमें. ये तो आपने हर उस बंदे की मुश्किल आसान कर दी है जो कि एक थोड़ा बजट रखता है, लाइक 7,000 या 8,000 दिरम्स. तो इवन के जो दुबई में भी रह रहे हैं जिसकी एक मिनिमम सैलरी 25 to 30,000 है और उसके पास कुछ सेविंग है, तो यानी वो भी प्रॉपर्टी ले सकता है दुबई के अंदर, जो आपने मुझे बात बताई है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो पेमेंट प्लान है ये पोस्ट हैंड ओवर है, कितने % पेमेंट जो है अमूमन पहले देनी पड़ती है और कितनी जो है वो अपार्टमेंट जब उन्हें मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, पोजेशन मिल जाता है, कितनी % रह के मिलती है? क्योंकि अगर इस तरह का प्लान है तो एक तरह से जो किसी ने रेंट देना है उसकी बजाय जो है वो डेफिनेटली इजीली जो है प्रॉपर्टी हासिल कर सकते. तो बेसिकली हमारा जो प्लान है सारे प्रोजेक्ट्स में ऑन एन एवरेज, मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मिनिमम 70% जो होता है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है. ये प्लान एक्चुअली रेसिडेंट्स के लिए जो यहाँ के दुबई के रेसिडेंट्स है, और बाकी की जो 30% है वो 3 या 4 साल में डिपेंड प्रोजेक्ट वाइज हमारे पोस्ट हैंड ओवर. बट मिनिमम जो हमारे पोस्ट हैंड ओवर है वो 3 या 4 साल के लिए है. और जो नॉन रेसिडेंट्स क्लाइंट है उनके लिए 75 है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और बैलेंस जो 25 है वो 3-4 साल की डिफरेंस में उनको पे करना होता है. बेसिकली जो पोस्ट हैंडओवर प्लान है वो हमने 0.5 में किया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एवरी 1% पे करते हैं, बट आफ्टर हैंडओवर उसका भी हाफ हो जाता है. तो आप जो है इन्वेस्टमेंट आपके रेंटल से ही इंस्टॉलमेंट पे करेंगे. बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल ले ले, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर आपकी इंस्टॉलमेंट है 7,500, ठीक है, आप अभी उसके हाफ जो है आप पोस्ट हैंडओवर में पे करेंगे. सो 0.5 आप एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जो है अपने रेंटल से ही पे करेंगे. और एक मैं आप यहाँ पे एड ऑन करूंगी, हमारे पास गारंटेड रेंटल रिटर्न्स के भी ऑप्शंस है. जो हमारे क्लाइंट्स फुल पेमेंट करना चाहते हैं अपफ्रंट, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है 750,000 की तो वो पेमेंट करे 750,000 एंड 8% नेट रिटर्न ले ले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 3 साल के लिए, तो आपको 24% जो है 3 साल का आपको मिल जाएगा. तो आपको अगर समझिए कोई प्रॉपर्टी अगर 26 में हैंडओवर हो रही है, आप इस दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदे, आपको 3 साल में जो है 3 साल का जो है रिटर्न्स मिलेगा. तो 24% आपको वैसे ही रिटर्न्स में मिल जाता है, और 3 साल बाद आपको प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी. तो क्योंकि 3 इयर्स का आपका ड्यूरेशन होगा कंस्ट्रक्शन का, तो आपको इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डिस्काउंट आपको जो मिल रहा है. एंड आपको जो है न्यू प्रॉपर्टी मिल रही है न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, पूल के साथ, विथ हाई एंड एमिनिटीज़ एंड एवरीथिंग यू हैव. बिकॉज आप देखेंगे हमारे जो प्रोजेक्ट्स है जितने भी वो हर एक लाइक डिज़ाइन वाइज एवरीथिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड हमारा एक प्रोजेक्ट हम जो भी लाए हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के साथ लाए हैं हम यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, आपने देखा है इन्होंने तमाम तर चीज़ें बताई हैं रिलेटेड टू समाना डेवलपर्स। इसमें अगर आप सिर्फ 1% पेमेंट प्लान अफोर्ड कर सकते हैं तब भी सैलरीड पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। सेकंड, आप अगर पूरी पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो तब भी डेवलपर आपको फ़ायदा दे रहा है ग्रांटेड रेंटल की सूरत में। और जो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे ये बना रहे हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जिन एरिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट होनी है और उसके बाद आपको रेंटल भी जो है बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो लग्जरीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई एंड है। तो आपको यकीनन मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर समझ आ रहा होगा। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स की सर्विसेज का इंतखाब कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं।